हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां हम शेयर करते हैं छोटे छोटे से टिप्स। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक टू पीस साड़ी बनाएंगे। पहले भी देखिए, हमने एक टू पीस साड़ी बनाई थी जो एकदम अलग तरीके की थी। ये भी टू पीस साड़ी है बट उस साड़ी से बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली है ये साड़ी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये साड़ी हम किस तरह से ड्रेप करेंगे। देखिए, फैंसी जो साड़ी हम बना रहे हैं, टू पीस साड़ी हमारी अलग तरह से जो बनेगी आज, उसके लिए हमें जो चाहिए वो ऐसे है। ये देखिए, हमने साड़ी के लिए एक कपड़ा रखा है। ये आप देखिए, थोड़ा मैंने हैवी लुक का कपड़ा लिया है। आप देख रहे होंगे इसमें किस तरह से बूटे वगैरह है। ये इस तरह का कपड़ा मिल जाता है जो मैंने रखा है। अगर आपको इस तरह का कपड़ा नहीं मिले तो आपकी कोई भी साड़ी हो जो हैवी और से आप नए अंदाज में डालना चाहते हो तो आप वो साड़ी लीजिए। ये है 3 मीटर का टुकड़ा। एक कपड़ा हमने 3 मीटर का लिया है। टू पीस साड़ी का जो नीचे का हमारा पार्ट बनेगा वो हमारा 3 मीटर का कपड़ा होगा। जितना आप रिच कपड़ा लेंगे, थोड़ा हैवी कपड़ा लेंगे इसके अंदर, तो साड़ी बहुत बनेगी, क्योंकि थोड़ी हैवी लुक की हम डिफरेंट साड़ी बनाने वाले हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं भी चाहती हूँ कि कपड़ा थोड़ा हम लें जो थोड़ा अलग तरह का, थोड़ा हैवी लुक का कपड़ा हो। अगर आपकी कोई भी ओल्ड साड़ी हो चाहे नया कपड़ा हो, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके अंदर देखिए, चुन्नी के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। मैचिंग के हिसाब से देखिए आप, मैंने फ्लावर के मैचिंग के हिसाब से मैंने ये कपड़ा इसमें पिंक कलर का इसमें लिया है। ये आप 2 मीटर 2.25 मीटर ये चुन्नी का कपड़ा, ये अपने हिसाब से आप ले सकते हो। 2 से 2.25 मीटर के बीच में आप लेंगे, आपका आराम से चुन्नी बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये साड़ी मटेरियल में शिफॉन टाइप का कपड़ा मैंने लिया है। आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं, अगर आपको जो दो तरह की साड़ी बनानी हो आप वैसा कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई चुन्नी का। अब ये देखिए, ये कपड़ा हमने लिया है पैकिंग के लिए। जो हम लेस लगाएंगे साड़ी के ऊपर और चुन्नी पर जो लगाएंगे उसके नीचे की तरफ, लेस लगाने से साड़ी भी देखिए हमने बहुत पतली है हमारी। ठीक है, लेस लगाने के बाद लटकेगी और इस तरह से जैसे फिनिशिंग नहीं आए, तो हम फिनिशिंग का काम देने के लिए हमने ये पैकिंग का कपड़ा रखा है। ये हम पीछे की तरफ लगाएंगे ताकि फिनिशिंग भी आए और सुंदर भी लगे। और देखिए, लेस जैसी लेस आपको मिलती हो वैसी आप यूज़ कीजिएगा। देखिए, मैंने कुछ इस तरह की लेस ली है, थोड़ी कटवर्क का लुक है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए फ्लावर बने हुए कुछ, या जो लेस आपके पास में हो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ। अगर आपके पास में कोई भी लेस नहीं हो तो आपकी कोई भी हैवी साड़ी का बॉर्डर हो जो नहीं काम आ रहा है, यहाँ या जो साड़ी आपकी हैवी है जो आप यूज करना चाहते हैं इसे बनाने में, उसी का ही बॉर्डर ले लें। और अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो अलग साड़ी और अलग बॉर्डर, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बिठा लें। ठीक है, वो बॉर्डर भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम नीचे से करेंगे, जो नीचे की साड़ी है वो हम पहले बनाएंगे। देखिए, साड़ी को बनाने के लिए पूरी साड़ी को हम खोल लेंगे और इसमें ये जो लेस है हमारा वो कहाँ लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। पूरी साड़ी है हमारी, ये साड़ी के देखिए दोनों छोर हैं। ठीक है, ये एक स्टार्ट है हमारी साड़ी का, एक एंड है हमारी साड़ी का। अब इसमें लेस कैसे लगेगी, स्टार्ट और जो एंड है दोनों तरफ हमारी लेस लगने वाली है, यानी कि टोटल 3 साइड हमारी लेस लगेगी। ऊपर का साइड जो हम इन करेंगे, पेटीकोट में टक करेंगे, उस पर लेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम ये जो आगे जो साड़ी का पार्ट आएगा उस पर लगाएंगे, जो इनसाइड रखते हैं वो हम लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनसाइड वाले पार्ट पे क्यों लेस लगानी है, तो मैंने आपको बताया था बहुत डिफरेंट साड़ी बना रहे हैं इसके लिए हमें इनसाइड वाला जो पार्ट है उस पर भी लेस लगानी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों टुकड़े मैंने ले लिए साड़ी में, पूरी साड़ी कवर होके देखिए हमारा पल्लू साइड का भी, सॉरी पल्लू साइड नहीं, नीचे का जो पोर्शन में हमारा दोनों साइड है वो लेना है हमें। अब जो हम लेस लगाएंगे तो हमारी लेस इस तरीके से लगेगी इस पर। ठीक है, ऊपर की तरफ पतली टक करते हैं वहां तक, आप ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ सकते हैं टकिंग करने के लिए, वहां आप लेस न भी लगाएंगे तो भी चलेगा। जैसे ये ऊपर का हिस्सा है, इतना हिस्सा हम छोड़ सकते हैं हमारी हाइट के हिसाब से, आपकी जितनी हाइट हो उस हिसाब से आप ऊपर का हिस्सा छोड़ सकते हैं ताकि वो पेटीकोट में टक हो जाएगा, हमें ये लेस चुभे नहीं, इसके लिए आप उतना हिस्सा छोड़ सकते हैं। उसके आगे के हिस्से पे आपने ये लेस लगानी है इस तरीके से, इसे पूरा लेस को लगाते हुए हम नीचे तक ले जाएंगे
इसलिए इसको हम पूरा इस तरीके से लगाएं। अब देखिए इसमें एक चीज और है, मेरी साड़ी में तो देखिए डिजाइन बना हुआ है तो मैं डिजाइन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अगर आपकी प्लेन साड़ी है या फुल प्रिंटेड साड़ी है तो आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है अगर आप कटवर्क ले रहे हैं तो थोड़ा कटवर्क हम साड़ी के थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा बाहर। ये आप देखिए इस तरीके से हम इसे लगाएंगे ताकि थोड़ा बाहर निकले तो ये कटवर्क की ऑटोमेटिक शो आ जाएगी हमारी, ठीक है। उससे पहले, लगाने से पहले हमें अंदर के साइड का इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे पहले ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी है। उसके बाद में हम ये लेस इस पर देखिए इस तरीके से लगाएंगे। आप देख रहे हैं ये अंदर फोल्ड कर दिया, ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है जब हम पैकिंग करेंगे दूसरे कलर का कपड़े से तो पूरा ढक जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये फोल्डिंग आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग लें, आपको कितनी चौड़ी चाहिए। अगर आपको पतली फोल्डिंग चाहिए तो आप इतनी पतली फोल्डिंग भी रख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है इतनी चौड़ी रखनी। ये मेरे साड़ी का डिजाइन कट रहा है तो वो हिसाब से मैंने इसे थोड़ा चौड़ा रखा है। और देखिए इस तरह से हमने हल्का कटवर्क बाहर निकाला है इसके अंदर। अगर प्लेन लेस है, प्लेन बॉर्डर है तो आप कॉर्नर से भी इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लेस हमें लगानी है पूरे इस हिस्से में और ये जो दूसरी तरफ का हिस्सा है पूरा लंबाई में, जहां तक टक करेंगे वहां छोड़ देंगे, बाकी के हिस्से में जिस तरह से इस कॉर्नर पे लगाएंगे उसी तरह से इस साइड में भी लगा लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लंबाई में लगाने के साथ साथ हम पूरा नीचे की तरफ लगाएंगे इसे, पूरा जो नीचे का हिस्सा है हमारा उस तरफ भी हम इसे लगाएंगे ऐसे। ये दोनों पार्ट अलग ही रखने हैं, हमें जॉइंट नहीं करने, अलग ही रखने हैं। जब इसे किस तरह से रैप करना है वो मैं बताऊंगी, तब आप देखिएगा इसका कितना अलग लुक आने वाला है। ये देखिए अभी नीचे का पार्ट हो गया हमारा। अब नीचे के हिस्से में भी आप ये जैसे कटवर्क का मैंने लिया है थोड़ा सा लेस, तो इसमें भी मैं हल्का सा कटवर्क में से बाहर छोड़ रही हूँ। ये देखिए जिस तरह से छोटा फ्लावर यहाँ पे आ रखा है ना, वो फ्लावर तक मैंने इसे कवरिंग रखा है और उसके बाद की लीफ वगैरह मैंने इसे बाहर छोड़ दी। बहुत ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना क्योंकि नीचे की तरफ है तो पाँव में आके फोल्ड ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा बाहर नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम किनारी साइड से बाहर छोड़ देंगे और पूरे में स्ट्रेट लगा देंगे पूरा। अब ये हो गया साड़ी में, नीचे की तरफ लगा दी हमने साड़ी में और स्टार्ट और एंड में लंबाई की तरफ हमने लगा दी पूरी। इसी तरह से हमें ये वाली लेस को लगाना है। अब लेस को लगाने का तरीका देखिए, आप या तो इसे क्लॉथ ग्लू जो आता है उससे चिपका सकते हैं, उससे भी नहीं निकलेगा क्लॉथ ग्लू से आप आराम से लगा सकते हैं, हैंड स्टिच कर सकते हैं, मशीन स्टिच कर सकते हैं, जैसे भी। मैं इस पर ऑलमोस्ट हैंड स्टिच करूंगी क्योंकि देखिए पूरा कटवर्क है, कटवर्क में हम मशीन स्टिच नहीं ले सकते, मशीन स्टिच लेंगे तो खराब लगेगी बीच बीच से काफी, तो हम ऑलमोस्ट हैंड स्टिच से करेंगे, चाहिए तो बीच में एक मशीन स्टिच हम मार सकते हैं इसके अंदर। साड़ी के नीचे के हिस्से के बाद में अब मैं आपको चुन्नी का हिस्सा और बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए मैं इस तरह की लेस आपको बताना भूल गई थी, ये हम इस तरह की लटकन वाली लेस भी इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह की लेस बहुत मिल रही है आजकल, इस तरह से आप इस तरह की यूज कर सकते हैं या और भी कोई तरह की लेस जो आपको लगे कि हाँ आप यूज कर सकते हैं वैसे आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हमें चुन्नी के लिए क्या करना है, चुन्नी हमारी 2 सवा 2 मीटर जो भी है, जो साइज आप ले रहे हैं वो लीजिएगा। और चुन्नी में वन साइड लेस लगानी है हमें, जो लेस हमारी प्लिट बनकर ऊपर की तरफ आएगी। देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, प्लिट करके बताती हूँ। ये नॉर्मल साड़ी है, नॉर्मल साड़ी को जैसे हम प्लिट बनाते हैं बिल्कुल नॉर्मल प्लिट बनानी है हमने। ये देखिए ये नॉर्मल प्लिट हमने बना ली इसके अंदर। नॉर्मल प्लिट में देखिए ये हिस्सा हमारा ऊपर रहता है और ये हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप समझे, हम जब नॉर्मल पटली लगाते हैं कंधे पर तो इस तरीके से हम इसे लगाते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहता है और ये हमारा हिस्सा इस तरीके से आगे की तरफ आ जाता है। तो जो लेस हमने लगानी है वो लेस इस हिस्से पे लगानी है, पूरा स्ट्रेट में हमने बॉर्डर लगाना है इस तरीके से। ये देखिए इस कपड़े में किनारी बनी हुई है, हल्का सा वही बिल्कुल हल्का सा बाहर रखेंगे, ये किनारी बुरी भी नहीं लग रही इसमें गोल्डन आई हुई। इस तरीके से पूरे एक साइड में, सिंगल साइड में हमें लगाना है इसमें, जो हमारी पटली हमारे कंधे पर ऊपर की तरफ दिखाई देती है उस हिस्से पे हमें लेस लगानी है, सिंगल साइड लगानी है। अंदर का जो हिस्सा जो है ये वाला,
इस पर हमें लेस नहीं लगानी है, बिल्कुल भी इस पर लेस नहीं लगानी, सिर्फ एक लेस हम लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल लेस लगाने के बाद में ये जो हमारा पल्लू का हिस्सा बच रहा है, ये जो पल्लू का हिस्सा है, इस पर हम कोई भी लटकन वाली इस तरह की लेस लगा। अगर ये लेस नहीं मिलती तो मोती की लेस आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, मोती वाली लेसेस भी बहुत आसानी से मिलती है। ये सिर्फ पल्लू की तरफ हमें इसे लगाना है इस तरीके से। ये आपकी चॉइस है, इसे आप ऊपर से भी लगा सकते हैं या इस तरीके से इसे आप अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि गोल्डन पट्टी है तो अच्छा लगेगा, या अदर कोई लेस अगर आप ऊपर लगाना चाहते हो उसके तो वैसे भी आप लगा सकते हो। इस तरह से ये पल्लू के हिस्से में बस लगाना है, यानी कि एक साइड में हमें नॉर्मल हमारी ये वाली लेस लगानी है जो हमने नीचे के हिस्से में यूज की थी, और पल्लू की तरफ में हमें ये लगानी है लटकन वाली कोई भी या मोती की कोई भी जो लेस आएगी वो लेस हमें लगानी है। और दो साइड हमारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, दो साइड में हमारी लेस लगेगी और दो साइड हमारे बिल्कुल बिना लेस के रहेंगे। ये किस तरह से ड्रैप होगी ये मैं आपको पूरा लगने के बाद बताऊंगी कि इसमें किस तरह का वेरिएशन आने वाला है और किस तरह से, क्योंकि पूरी रेडी बन होगी, प्लेट बन के लगेगी, ठीक है। तो आपको लेस सिर्फ इतने पोर्शन पर लगानी है। ये देखिए हमारी साड़ी में तीन तरफ जो मैंने लेस बताना आपको बताया था वो लग चुकी है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार्ट और एंड जो दोनों साड़ी का है उस पर हमें दोनों जगह लेस लगानी है। देखिए नीचे भी पूरे नीचे लग गई, दोनों साइड में लग गई हमारी लेस, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको चुन्नी में बताया था, वन साइडेड में हमारी देखिए किस तरह से हमने बाहर निकाल के लगाई है, पूरी लेस हमारी लग गई है। और साइड में देखिए ये वाली लेस भी हमने लगाई, इस पर देखिए मैंने बारीक लेस की पट्टी लगा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पैकिंग कैसे करनी है। मेरे व्यूवर्स ने मुझे पूछा था पैकिंग कैसे करते हैं पहले के भी वीडियोस में। देखिए पैकिंग बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। इस तरह से हम एक चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये पट्टी डिपेंड करती है आपकी लेस के साइज पे कि आपकी लेस कितनी बड़ी है, जिस लेस का जो साइज होगा वो हिसाब से आप इस पट्टी को कटिंग करें। ये देखिए अंदाजे से मैंने की हुई है, इसे हाफ ही लेनी है मुझे, ठीक है। और इसे फोल्ड करके हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा मोटा कर देंगे फोल्ड करके, ताकि इसके ये हमारा फॉल का काम करे। और इसे लगाना भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम फॉल लगाते हैं साड़ी के नीचे। बस ये जो हमारी लेस लग गई उसके बाद में इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, ये देख रहे हैं आप, नीचे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, और पूरा हम हैंड स्टिच कर देंगे या क्लॉथ ग्लू से चिटका देंगे, जैसे भी आपकी मर्जी उसे आप नीचे लगा सकते हैं, या बारीक तुरपन से भी आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह पूरे जितने भी हम लेस लगाए उसमें नीचे आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा लगाने से थोड़ा सा लेस में ग्रेस भी आ जाता है, थोड़ा सा लेस हैवी भी हो जाता है, जिसे हम ड्रेप करेंगे तो एकदम एकदम टिका रहेगा हमारा ये लेस, ठीक है। देखिए पैकिंग होने के बाद में सबसे पहले हम चुन्नी रेडी करेंगे। ये देखिए चुन्नी रेडी करने के लिए देखिए ये जो वन साइडेड हमने लेस लगाई थी और ये हमारा पल्ला है, पूरा हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए हम नीचे की तरफ आ गए। अब यहां पर हमें प्लेट्स बनानी है, पूरी नीचे की तरफ हमें प्लेट्स बनानी, एकदम एकसार प्लेट्स बनानी है जो हमारी ये बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम इस तरीके से चलते हैं और फोल्ड करते हैं। इसमें देखिए जनरली तो हम ऊपर से लेस बनाते हैं पटली पे, सॉरी पल्ले पे प्लेट्स। अब इसमें देखिए मैंने नीचे से बनाई, कारण कि इसे हम डिजाइन करना है, कुछ अलग तरीके से बनानी है इसको हमें, ठीक है। तो हम नीचे से पूरा इसे प्रॉपर लाइन में लेकर इधर एक सेफ्टी पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए थोड़ी आगे पीछे तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी आगे पीछे होने से इसे एडजस्ट करके इसे पूरा तैयार करना है। और ऊपर तक पूरी एंड तक हमें इस तरह की पतली प्लेट वाली ये साड़ी रेडी करनी है, ठीक है। जगह जगह आप सेफ्टी पिन का सहारा लेकर पूरा स्ट्रेट ऊपर तक जाए, प्रॉपर पूरी पतली हमारी एक बार स्ट्रेट कर लें। पूरी पतली प्रॉपर लगने के बाद में ये आप देख रहे हैं प्रॉपर पूरी प्रॉपर आने के बाद में ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा, नीचे जो हमने प्लेट बिठाई थी इसे हम स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच कर सकते हैं या मशीन स्टिच, जैसे आपको करना हो। ये पूरी प्लेट हमें इकट्ठी रखनी है नीचे की तरफ की,
ठीक है, पल्ले की तरफ की नहीं, नीचे की तरफ की। ये प्लीट हमें पूरी एकसार लगाकर, एकदम पूरी एकसार होने के बाद में इसे स्टिच करनी है, हैंड स्टिच या मशीन स्टिच। देखिए फोल्ड करके हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए पिन लगा लगा के, जगह जगह आप देख रहे हैं, हमने पिन लगा के पूरी पटली इसमें रेडी कर ली है। ठीक है, पूरी इतनी पटली रेडी करने के बाद में आप यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग ले लेंगे कि कहाँ पर कंधे पर आपको साड़ी डालनी है। ठीक है, शोल्डर मार्किंग लेके, जैसे देखिए मैंने शोल्डर मार्किंग ली है, यहाँ पर मैंने ऊपर एक पिन लगा दी, ये मेरा शोल्डर है, यहाँ हम कंधे पर रख के पिनअप करेंगे साड़ी। ठीक है, वहां तक, और बाकी पूरी साड़ी ऑलमोस्ट नीचे तक देखिए पिन मार मार के मैंने पूरी पटली सेट कर दी है। आपको भी ऐसी ही पटली सेट करनी है। और नीचे अब देखिए पल्ले की तरफ आ गए हम लोग, पल्ले की तरफ आ गए, पल्ले की तरफ भी एक बार सेट कर लेते हैं। पीछे की तरफ से कर लेते हैं, देखिए फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सेट करना है, लेकिन सारा ट्विस्ट यहीं पर ही आएगा हमारा, थोड़ा डिफरेंट यहीं से होगा हमारे। जितनी प्लेट्स हमने बनाई थी उतनी प्लेट्स हम यहाँ सेट कर लेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक आ रही है, आप देख रहे हैं, पूरा पिन लगा के करेंगे तो प्रॉपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये देखिए हमारी सारी प्लेट्स ऑलमोस्ट हाथ में आ गई है। देख रहे सारी प्लेट्स आ गई, प्रॉपर आ गई एकदम। अब इसे हमें सीधा कर देना है। देखिए बहुत सिंपल है अभी करना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। अब ध्यान देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सारी प्लेट्स रखने के बाद में ये जो ऊपर की प्लेट है, सबसे ऊपर की प्लेट है, उसे हम सरकाएंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह से हम एक एक दो दो बाकी की प्लेट्स को पकड़ पकड़ के हम सरका देंगे, थोड़ा थोड़ा प्लेट्स को हम सरकाते जाएंगे। पूरी ये देखिए आपको जिगजैग दिखती जाएगी, दिख रही है आपको? थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आगे हमें प्लीट्स बनानी ही है, ये सिर्फ हमें पल्ले के लिए करना है। ये देख रहे हैं यहां से देखिए आप प्लीट को ठीक भी करते जा सके। ये देखिए अब देख रहे हैं यहां से मैंने पूरी प्लेट ठीक भी कर ली पकड़ के और पूरा सरका दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो प्लेट हमने पकड़ी है, इस प्लेट को हम नीचे की तरफ लेते जाएंगे। ये हमारा पल्लू है, ये हमारा पल्लू इस तरह रहेगा। ठीक है, नीचे का पोर्शन और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ प्लेट्स को पकड़ के हमें ऊपर खींचना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखिए ये हमने कॉर्नर बना दिया, आप देख रहे किस तरह से जिगजैग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ठीक है, अब इसी को ही हमें पकड़ के आगे चलना है। साथ साथ में प्लेट को हमने मेंटेन किया, यहाँ पे देखिए इसी को पकड़ के हमें चलना है। और देखिए ये जो हमारी क्लिप हमने लगाई है इसे खोल देना है, और ये जो पोर्शन हमारा शोल्डर वाला है, ये जो शोल्डर वाली मार्किंग है, वहां पर हम प्रॉपर प्लेट सेट कर देंगे इसकी। इस तरह से नीचे लेते जाएंगे, और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करके, सिंपल वही तरीके से एक एक प्लेट पकड़ेंगे, क्लिप लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी जगह पे, हम क्लिप लगाकर पूरा कंधे तक हम इसे सेट कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक सेट होता जा रहा है, नीचे का भी ले लेते हैं हम। ये देखिए देख रहे पूरी एक सार वापस हो गई हमारी प्लेट, बहुत इजी है, जब आप करेंगे तो एकदम इजी रहेगा। देखिए पूरा यहां से जहां से पल्ला हमने बना लंबा किया वहां से भी इजीली आ गया। अब हमें हमारी ये वाली प्लेटिंग है इसे खोलना है और इसे पल्ले तक ले जाना है, बिल्कुल इसी तरह से करते करते हमें शोल्डर तक लेके। ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन जो मैंने बताया था, और ये देखिए प्लीट्स जमाने के बाद में, ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन आराम से प्लीट बनेगी, मैंने आपके सामने बना के बताया था। और थोड़ी अंदर से थोड़ी मैसी होगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें सारा खोल देना है, सारे हमारा पिन खुल जाएगी तो खुलने के बाद बिल्कुल नहीं लगा। ये सिर्फ हमें शोल्डर लेने के लिए हमने पूरा एक सार बनाया। ये देखिए पूरा हमने अभी हमारा शोल्डर, आप देखिए पिन लगा के हमने मार्किंग करके थी, ये शोल्डर आ गया, वहां तक मैंने पिन ले ली है। ये देखिए इस तरह से साड़ी में झूल आ रही है, ये आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर थोड़ी आगे पीछे होगी तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि एकदम एक सार नहीं आई, क्योंकि ये छूटनी ही है बाद में।
ठीक है, सिर्फ हमारी प्लेटिंग प्रॉपर हो इसलिए हमने इतनी पिन लगाई है इस पर। ठीक है, अभी देखिए हम शोल्डर वाले पोर्शन पे आ गए हैं, ये आप मार्किंग देख रहे हैं, यहां से हम थोड़ा प्रॉपर रख लेंगे पकड़ के, पिन हमने मारी रखी, देखिए प्रॉपर ही हमारा पूरा। ठीक है, ये पोर्शन पे अब हम स्टिचिंग कर देंगे, ये जो हमारा शोल्डर का पोर्शन है सारी प्लेट पकड़ के हमें यहाँ पे स्टिच करना है, ताकि हमारा ये जो शोल्डर है ये प्रॉपर स्टिच हो जाए, ये प्रॉपर यहाँ से स्टिच हो जाएगा आपका, यहाँ से सारी पिन निकाल के हम फ्री कर देंगे और यहाँ से पिन निकाल के फ्री कर देंगे, प्रॉपर सेट हो जाएगा ये दुपट्टा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ स्टिच करना है, मशीन स्टिच, हैंड स्टिच, जैसे आपकी इच्छा वैसे ये स्टिच हमें यहाँ करनी है। ये देखिए हमारा स्टिचिंग हो गया, देखिए मैंने तो हाथ से स्टिच कर दिया है, ये देखिए दिख भी नहीं रहा ऊपर से हमारा स्टिच किया हुआ, और हमारी प्लेट पतली पूरी सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने, ये देखिए बीच बीच में जितनी भी क्लिप ये पिन लगाई है सारी खोल देनी है, अभी हमें जितनी भी हमने सेफ्टी पिन लगाई है सब खोल देनी है, और सबसे नीचे जो फर्स्ट में हमने प्लेट बनाई थी इस पर सेफ्टी पिन लगाई थी ये हमें पूरा स्टिच कर देना है, ये खुला नहीं छोड़ना है, ये पूरा स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ से भी स्टिच मार दिया हमने, ठीक है, अब देखिए सारी प्लेट्स खोल दिए हमने, पूरा प्लेट्स खोल दिया है, एक ही नीचे स्टिच है हमारा और ये शोल्डर पे स्टिच है। अब जब इसे रैप करेंगे तब आप देखिएगा कि बिल्कुल अलग स्टाइल में ये रैप होगी। ठीक है, अब इसमें और क्या करना है, लास्ट हमें एक बार ये जो हमारा सबसे नीचे का पोर्शन है ये घूम के हमारे पीछे साइड में लगेगा, साइड में लगने वाला है, इस पर कोई भी बड़ा ब्रॉच लगा सकते हैं या कोई भी बड़ा फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये फ्लावर रेडी किया, देखिए ये जो लेस है सिंपल लेस है, इसके मैंने फ्लावर फ्लावर कटिंग कर लिए और तीनों फ्लावर को पास में रख के जॉइंट कर दिया है। ठीक है, वही फ्लावर मैं अभी इस पर इस तरीके से ये देखिए लगाने वाली, तो जब हम ये ड्रेप करके लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इस पर भी आप ब्रॉच लगा सकते हो छोटा सा, और नहीं लगाना चाहो तो इस तरह फ्लावर का भी बंच आप बना के लगा सकते हो। इसे पूरा हम चिपका देंगे क्लॉथ ग्लू से, स्टिच कर देंगे जैसे भी आपको लग रहा है, इसे पूरा रेडी कर देंगे और उसके बाद में हम पूरी साड़ी ड्रेप करेंगे। इस बार मैं आपको बताऊंगी साड़ी को ड्रेप कैसे करना है। देखिए चुन्नी रेडी करने के बाद में हम हमारे नीचे के पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने जहां दोनों तरफ लेस लगाई थी अब इसे हम पतली बनाएंगे। देखिए साइज कैसे लेंगे, सबसे पहले आप अपनी कमर का साइज ले लीजिए, नॉर्मल जिस तरह पतली बनानी है उसी तरह पतली बनानी है, बस ये हमें दोनों पतली बनानी है, दोनों तरफ पतली बनानी है। तो ये जो कमर है आपकी, ये आप जो है पूरा साड़ी को आगे से घुमाकर आपके साइज का ले लेंगे। ठीक है, साइज का लेने के बाद में हम इसमें सेम ये जो बॉर्डर का साइज है वो साइज से हम प्लेट बना देंगे। जितने भी प्लेट बनेगी, दोनों तरफ बनानी है हमें, जितनी भी प्लेट बनेगी उतनी प्लेट हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें मैं कमर किसी की कम किसी की ज्यादा तो मैं माप नहीं बता सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप पूरा इसे कमर पे ले आगे और पटली बनाते जाए, दोनों तरफ से पटली बनाएंगे तो आपको अपना कमर का आ जाएगा आइडिया। ये देखिए इस तरह की हम पटली बनाएंगे, दोनों तरफ की बना लेंगे, इस तरफ से भी बनाएंगे और हम इस तरफ से भी बनाएंगे, और कमर के मुताबिक आप बनाएंगे, चार पटली आ रही है पांच पटली आ रही है, डिपेंड करता है कि कैसे आपकी वेस्ट साइज के ऊपर है। ये देखिए इस तरह से पटली बनने के बाद में इसे ऊपर से स्टिच मार दीजिए तो रेडी टू वियर हो जाएगी ये साड़ी, और अगर आप स्टिच नहीं मारना चाहते तो आप डायरेक्ट भी पटली बना के पहन सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप इस तरह से कमर का आप लेकर ये पटली बनाकर ऊपर में स्टिच कर दे, जैसे हमने चुन्नी में सारा स्टिच किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी पूरा स्टिच कर देंगे कमर के माप से पटली बना। ये देखिए हमने ऊपर से पूरा स्टिच कर दिया है प्लेट्स बना के, चार से पांच प्लेट्स बनाई है हमने इसमें, ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसे स्टिच कर दिया। लूज रहेगा, प्लीट्स कम बनेगी तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम पहनेंगे तो वेस्ट के हिसाब से हम इसमें और प्लीट्स अपने हिसाब से लगाकर टाइट कर सकते हैं। एक प्लीट लूज बनाएंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, एकदम फिटिंग का ना बनाए, एक प्लीट लूज बनाए इसे। ठीक है, देखिए अभी हमारा पूरा आगे का सेक्शन ये तैयार हो गया। अब जब पहनेंगे तो लगेगा कि आगे का पोर्शन डिवाइड हो रहा है, कि चलने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो घुटने तक के पोर्शन में देखिए हमने इस तरह से हुक्स लगा दिए हैं, दोनों लेस पर हमने इस तरह से हुक लगा दिया है। ये देखिए तीन हमने हुक लगाए हैं इधर और इधर, ये सेंटर के पोर्शन पे हुक लगाए हमने। बैठेंगे उठेंगे तो ये पोर्शन हमारा अलग नहीं होगा,
और बीच में से पेटीकोट या साड़ी एक्स्ट्रा हमारी दिखेगी। नीचे के पोर्शन में हमने खुला रखा है क्योंकि हुक लगाएंगे यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये पोर्शन हमारा थोड़ा फ्लेयर रहेगा तो भी अच्छा लगता है क्योंकि प्लेट्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो बीच के पोर्शन में अगर आपको लगे कि बहुत खुला खुला रहा या साड़ी इस तरह से गिर ना जाए बैठने पे, तो हम तीन प्लेट्स लगा के इसे कर देंगे, ना ऊपर लगाएंगे ना नीचे, सिर्फ सेंटर पर घुटने तक के पोर्शन पर, ठीक है। चलिए अभी इसे रैप कैसे करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए ये टू पीस साड़ी, अब इसे ड्रेप कैसे करना है, मैंने पूरा ड्रेप किया है। नॉर्मली देखिए ये दो पोर्शन आपको मैंने बताए थे, इसे नॉर्मल मैंने घुमाकर इस तरह आगे ले आई हूँ। नॉर्मल साड़ी जो पहनते हैं अंदर से पहनते हैं, इसे दोनों कॉर्नर को पकड़ के हमें कमर साइड से इधर लेके आना है। कमर साइड से हम इधर लाकर इधर इसे हमने सीधा टक कर दिया है, यहाँ पर लाकर हमने हमारे वन साइड में टक कर दिया। ये टू पीस साड़ी की खासियत यही है, इसे हम सेंटर पे टक नहीं करेंगे, हम साइड में टक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में से हम टक कर देंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से आ गई है पूरी, ये आप देखिए पूरी प्लेट्स इस तरह आ गई है, ये देखिए वन साइडेड हमें टक करना है। पूरा गोल घुमाकर हमें एक साइड में लेके आना है दोनों पोर्शन को और उसे टक कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद में हमारी चुन्नी की बारी आती है। ये देखिए हमारी चुन्नी जो हमने प्लेट बनाई थी ऊपर स्टिच की थी वो देखिए कंधे पर आ गई है नॉर्मली, और ये हमारा पोर्शन जो देखिए हमने बनाया था वो इस तरीके से यहाँ पीछे लटकेगा, ठीक है। और ये जो पल्ला है ये देखिए हमारे कंधे पे से हमने ले लिया है, कंधे पे हमने से पूरा का पूरा पिन लगा दिया इस पर, ठीक है। अब ये देखिए ये जो पोर्शन हमने बनाया था इसे हमने गोल घुमाकर हमें बैक साइड पे टक कर दिया है, गोल घुमाकर हमने हमारे बैक साइड पे टक कर दिया है और आगे से प्लेट को हमने एडजस्ट कर दिया है हमारी ब्लाउज के अकॉर्डिंग। और देखिए कितनी सुंदर टू पीस साड़ी बनी है हमारी नए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में। मैंने पिछली बार भी आपको टू पीस साड़ी बताई थी वो एकदम अलग तरीके की थी, अब ये साड़ी देखिए आप अपनी पुरानी साड़ी पे भी बना सकते हैं, एकदम डिफरेंट टाइप की ट्विस्ट एंड टर्न, लहंगा भी लग रहा है, साड़ी भी लग रही है, इसमें बहुत सुंदर स्टाइलिंग लग रहा है। आप देखिए ये घर बैठे आप देखिए ऐसी सिंपल सी और सुंदर सी साड़ी बना सकते हैं एकदम फैंसी। उम्मीद करती हूँ कि आज की टू पीस साड़ी भी आपको पसंद आई होगी, तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।